है नूरे साहर चेहरे से तेरे, और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुबा शेख। वेलकम टू माय चैनल शेख कपिल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग उम्रे पे जा रहे हैं, हमारी फर्स्ट ट्रिप थी उम्रे की आफ्टर आवर वेडिंग। तो ये प्लेन में है हम लोग। पहले इससे पहले हमने हमारी पिक्चर देखी थी, हम लोग एयरपोर्ट पे थे, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाउ वी आर इन प्लेन। ये हमारी ट्रेन से उतरने के बाद हम जद्दा में लैंड कर रहे। पहले हम मक्का गए थे। वो तन्हा कौन है? अल्लाहु अल्लाह। बादशाह वो कौन है? अल्लाहु अल्लाह। मेहरबा वो कौन है? अल्लाहु अल्लाह। क्या ऊंची शान है? अल्लाहु अल्लाह। उसके सब निशान है? अल्लाहु दिलों की जान है। सिमते नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, तुम हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमते नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, तुम हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उम्रा करने के बाद मुझे इतना अच्छा मौका मिला हतीम में नमाज पढ़ने का, मुझको और तालिब को। हम दोनों ने हतीम में बहुत दुआ मांगी, काबे शरीफ को हाथ लगाया और बहुत दुआएं मांगी, सबके लिए दुआएं मांगी। तालिब भी यहीं बैठे हैं मेरे साथ, और मैंने माशाल्लाह दो उम्रे करे थे, तालिब ने तीन करे थे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं कर नहीं पाई थी और भी, और मेरी वजह से तालिब और नहीं कर पाए थे। ये तालिब का दूसरा उम्रा और इसमें मैं नहीं थी साथ में, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से दूसरा उम्रा मैंने अकेले किया था इस वजह से। और वैसे भी थोड़ी सी सारी वीडियोज जो हैं वर्टिकल में ही है, हॉरिजॉन्टल में नहीं बन पाई, क्योंकि हमारे पास टाइम पे कोई भी आइडिया नहीं था कि हम ब्लॉगिंग करेंगे। पर जो भी वीडियोस है वो सब आपके लिए हमने इसमें डाल दिए, तो आगे भी प्लीज देखें। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलामे पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल पड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया के इंसान सभी शिर्क को बिदअत करते थे, रब के थे बंदे फिर भी बुत की इबादत करते थे, दुनिया के इंसान सभी शिर्क को बिदअत करते थे। हम लोग दिसंबर में 2018 में गए थे उम्रे पे, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम लोगों को ये देखना नसीब हुआ, न्यू हरम ऑलमोस्ट बन चुका था, थोड़ा बहुत ही रह गया था बस बनना, लेकिन ऑलमोस्ट सब बन चुका था। बहुत ही माशाल्लाह से इतना खूबसूरत है, आप लोग भी जाएंगे तो बस देख के माशाल्लाह माशाल्लाह ही पढ़ते हैं। चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है, गुलशन कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। कहते सभी है जिन्नो बशर, कहता शजर है कहता हजर, कहता है पत्ता पत्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह।
الرحمن الله. Who is المنان لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد is the messenger to Allah is our return لا إله إلا الله محمد رسول الله All praise is due to the one and only ये कुछ हमारे रास्ते की वीडियोस हैं हम लोग ज़ियारतों पे गए थे तो बस ज़ियारतों की वीडियोस तो नहीं बना पाए कुछ पिक्चर्स हैं वो आ गए हैं इस वीडियो में लेकिन वीडियोस नहीं बना पाए हम लोग आयशा मस्जिद गए थे हम लोग दूसरे उम्र के लिए तालिब का तीसरा उम्र था तो आगे चल के आप आयशा मस्जिद देखेंगे ये है आयशा मस्जिद ये आयशा मस्जिद का बैक साइड है यहाँ से हम लोग ने एंट्रेंस करी थी आज का एंट्री भी है मैं आपको एंट्री दिखाऊंगी आगे की वीडियो में देंगे ये है एंट्री यहाँ से हम अंदर गए थे तालिब ने आराम पहना था फिर हमने दुआ नफिल पढ़ी थी उम्र की नियत करी थी फिर हम यहाँ से दोबारा हरम गए थे उम्र करने के लिए ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है मक्के में टर्की गवर्नमेंट बना रही है बिल्कुल हरम के पास He sent to guide us, Rasulullah. Allah. और ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग उमरा ट्रिप का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसका मैं जल्द ही डालूंगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा ये फर्स्ट पार्ट और प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू बाय अल्लाह हाफिज़